हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, यही लोकेशन में हमारा काम चल रहा है, कतार में। यहीं पे हमारा डोमेस्टिक पंप का काम चल रहा है, वाटर सप्लाई का। तो आज मैं आपको इसी के बारे में दिखाऊंगा। ये पीछे हमारा देख रहा है, ये हमारा डोमेस्टिक पंप है और ये हमारा जीआरपी टैंक है, वाटर टैंक। तो आज हम देखेंगे कि फ्लोट बल्ब कैसे लगाना है, फ्लोट बल्ब कैसे लगाना है, क्यों लगाया जाता है और कहाँ पे लगाया जाता है। आज इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे किस तरह लगाना है। पूरा कंप्लीट वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे कैसे लगाना है। तो ये हमारा गेट वाल है, ये वहाँ पर हमारा क्या है, तो कॉपर से हाई प्रेशर हम लोग को बनाना है, हाई प्रेशर। तो उसको कैसे हम बनाएंगे, तो दोनों तरफ फ्लैंज डाल के आप देख रहे हैं, यह हमारा 3 इंच का गेट वाल है। एक तरफ कॉपर फ्लैंज डालेंगे, एक तरफ हाई प्रेशर फ्लैंज डालेंगे और इसको हम कॉपर से हाई प्रेशर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, तो मेजरमेंट कर लेंगे। जितना हमारा फ्लैंज पाइप के अंदर जाएगा उतना मेजरमेंट कर लेंगे और गेट वाल लगाएंगे। क्योंकि अगर मेजरमेंट हम किया रहेंगे तो हम लोग को बराबर पता रहेगा कि हमारा इतना अंदर पुश होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। इसलिए पहले मार्किंग कर लेना है और गेट वाल रख के चेक कर लेना है। उसके बाद जो आगे का हमारा हाई प्रेशर पाइप लगेगा, इसमें हम लोग कॉपर से हाई प्रेशर बनाए हैं, क्योंकि जो जीआरपी टैंक है उसमें हमारा कॉपर का हाई प्रेशर का फ्लैंज लगा हुआ है, तो हमको वहाँ पर हाई प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम मार्किंग कर लेंगे कि कितना में हमारा, कितना सेंटी का पाइप लगेगा और ऐसे गेट वाल रख के मार्किंग कर लेना है। जो ये हमारा फिलिंग लाइन है उसी का ये हमारा गेट वाल लग रहा है। इसका जो फ्लोट बल्ब है वो उसका टैंक का अंदर लगेगा। मैं उसको भी पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। तो पहले शुरू से देख लेते हैं कैसे कैसे लगा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हाई प्रेशर पाइप मेजरमेंट करके उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद स्क्रैच कर देंगे। स्क्रैच इसलिए करते हैं कि ये हमेशा प्लेन रहता है, प्लेन रहता है तो ग्लू इसका बराबर नहीं पकड़ पाता है। अगर स्क्रैच कर देंगे तो आप 8 बार प्रेशर रखिए, 10 बार प्रेशर रखिए, ये आपको लीक नहीं करेगा। तो स्क्रैच करने के बाद इसको ग्लू लगा लेना है बराबर अच्छा से और इसको पुश कर देना है। और उसके बाद हम गेट वाल लगाएँगे और गेट वाल लगाएँगे तो क्या करेंगे उसको हम, तो गेट वाल के ऊपर लेवल रख के हम चेक करेंगे। तो अभी देखिए हम ये ग्लू लगा रहे हैं, ग्लू लगाने के बाद गेट वाल रख रहे हैं और गेट वाल जैसे हम लगाएंगे तो उसी टाइम हम लोग इसके ऊपर लेबल रख के चेक कर लेंगे। नहीं तो अगर ग्लू सूख गया तो फिर ये हमारा गेट वाल टेढ़ा रह जाएगा, इसलिए एक लेबल भी साथ में रखना है जब आप ग्लू का काम कर रहे हैं तो चेक करने के लिए। तो इस तरह से इसको चेक करके हम लेबल रख सकते हैं। अब इस तरफ हमारा ये जो कॉपर फ्लैंज है उसमें हमारा पाइप लगा देंगे। पाइप लग चुका, यही हमारा फिलिंग लाइन है, यही लाइन से हमारा पानी आएगा। तो ऑलरेडी आप देख लिए, अब चलते हैं फ्लोट बल्ब को तरफ, कैसे लगाना है इसको। तो फ्लोट बल्ब लगाने का हम लोग का जो लगाता है, क्यों लगाया जाता है, ये जो जब पानी हमारा टैंकी में पानी आएगा तो उसको ऑटोमेटिक पानी बंद करने के लिए, जैसे हमारा टैंक फिल होगा तो ऑटोमेटिक पानी बंद हो जाएगा और जैसे टैंक खाली होगा तो ऑटोमेटिक हमारा पानी आने लगेगा। इसका बॉल जो रहता है, उसका फुटबॉल, वो ऊपर का तरफ उठ जाएगा तो पानी बंद हो जाएगा, जैसे नीचे गिरेगा वो फिर पानी चालू हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग को टेफ्लॉन टेप लगा लेना है अच्छा से, और अच्छा टेफ्लॉन टेप लगाना है क्योंकि बाद में अंदर में ये घूमे ना। अगर आपको लगाने के बाद अगर ये घूम जाएगा तो ये बॉल, इसका जो फुटबॉल है वो काम नहीं करेगा, तो पानी हमेशा आते रहेगा। तो देखिए इस पोजिशन में ऐसे खुलेगा तो पानी आएगा, जैसे कि हम इसको ये देख रहे हैं ऊपर की तरफ रहेगा तो पानी हमारा बंद रहेगा, जैसे नीचे होगा तो पानी हमारा चालू हो जाएगा। इसमें बिजली का कोई सप्लाई नहीं रहता है। और इसको हम क्या करेंगे, टैंक के अंदर में जगह कमती है, तो जगह कमती है तो वहाँ पे हम लोग को इसको खोलना पड़ेगा। तो इसको हम खोल रहे हैं, इसको साइड में जो पिन दिया हुआ है पिन निकाल देंगे इसको हम, और निकाल के इसको खोलेंगे और बाद में टैंकी में टाइट करेंगे इसको। जगह वहाँ पे कमती रहता है तो ये घुमाने में दिक्कत होता रहता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे हम इसको खोलेंगे तो पहले देख लेना है कौन सा पोजीशन में था, उसी पोजीशन में फिर दोबारा उसको
टैंक के अंदर जब हमारा ये फ्लोट बल्ब टाइट हो जाएगा तो फिर उसको लगा देना है। तो इसका हमारा एक स्क्रू रहता है और दो हमारा दोनों साइड का पिन रहता है, इस तरह से बाद में फिर लगेगा। इसको चेक कर लेते हैं, इसी तरह से लगेगा बाद में टैंक में जब हमारा ये टाइट हो जाएगा। तो अब इसको हम टाइट कर देंगे, इसमें इसको अच्छा टाइट करना है। अगर ढीला रहेगा तो बाद में घूम जाएगा ये, और जब घूमेगा तो फिर हमारा पानी रुकेगा नहीं, हमेशा ओवरफ्लो से पानी आते रहेगा। तो अच्छा इसको टाइट कर देना है। और एक चीज़ हम लोग को और ध्यान रखना है, जो कॉपर का जो हमारा फ्लांच लगा हुआ है, वो फ्लांच में जो हम नट बोल्ट डालेंगे वो हमारा SS का नट बोल्ट, स्टेनलेस स्टील का नट बोल्ट डालना है, GI का नट बोल्ट नहीं डालना है, क्योंकि GI में जंग लग जाता है, ये हमेशा पानी के अंदर रहेगा। तो हम लोग को इसमें SS का डालना है। हम लोग ऑलरेडी SS का डाल के टाइट कर दिया है इसको, अभी हम फ्लोट वाल्व के बारे में देखेंगे। तो इसी तरह से लगाना है, और जो हमारा ये हैंडल है इसी तरह से सीधा रहना चाहिए, ये हैंडल बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए और अच्छा टाइट रहना चाहिए। और इसको हम लोग जो स्क्रू खोले थे अभी वो लगा दे रहे हैं इसमें। अभी ये हमारा फुटबॉल लग चुका है, फ्लोट वाल्व लग चुका है। अब इसमें हमारा जो फुटबॉल लगाना बाकी है, तो फुटबॉल हमारा ये स्टोर में लेने गया है, जैसे आएगा हम इसमें लगा देंगे फुटबॉल, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लाइन फ्लोट वाल्व हमेशा डोमेस्टिक पंप में लगाया जाता है, फायर पंप में लगाया जाता है। इसका रीज़न ये है कि जैसे पानी आएगा तो फुल होगा तो बंद हो जाएगा। ये हमारा फुटबॉल लगेगा और यहाँ पे हमारा टाइट होगा, वो रॉड जो देखे थे वो रॉड में टाइट होगा, और जैसे ये हमारा ऊपर उठेगा तो पानी बंद होगा, जैसे ये डाउन आएगा तो पानी चालू हो जाएगा हमारा। ये हमारा डोमेस्टिक पंप है, डोमेस्टिक टैंक है, GRP टैंक है। इसका अंदर में इसी तरह से आप देख रहे हैं कि तो हमारा फ्लोट बल्ब टैंक का अंदर लगता है, और ये लगाया जाता है इसलिए कि जैसे हमारा टैंक फुल होगा तो बल्ब उसका जो फुटबॉल है ऊपर उठेगा, पानी बंद हो जाएगा, और जैसे हमारा टैंक खाली होता है तो फुटबॉल उसका नीचे आएगा और पंप हमारा चालू हो जाएगा। तो ये टैंक के अंदर लगाया जाता है, और ऑटोमेटिक बंद करने के लिए और चालू करने के लिए पंप को ये लगाया जाता है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। और इसी तरह आप लोग को प्लम्बिंग से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।